ही में बिग बॉस के घर में चैलेंजर्स के तौर पर घर में कुछ नए सदस्यों की एंट्री की गई, जिसमें राखी सावंत जब से आई हैं और दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। घर में राखी का जॉली नेचर देखने को मिल रहा है। घर में राखी जो कुछ भी करती हैं वो अब चर्चा में आ जाता है। मंगलवार को प्रसारित एपिसोड में वो जैस्मिन भसीन से भिड़ गई। जैस्मिन ने उन्हें एक पेंगुइन मास्क सिर पर पहना दिया। मास्क पहनते ही राखी ने जोर जोर से रोने की आवाज निकाली। वो तेजी से चीख रही थी, उनकी नाक में बहुत जोर से चोट लग गई है। वहीं राखी और राहुल, जो एक दूसरे को पिछले 12 सालों से जानते हैं, एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राखी का कहना है कि राहुल उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं राहुल कहते हैं कि वो राखी का स्वयंवर शो के बाद उनसे कभी नहीं मिले। राहुल महाजन अरसी से कहते हैं कि असल में राखी बहुत अकेली हो गई है, इसीलिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि आपको पता है कि वह इस तरह का व्यवहार क्यों करती है। मैं इससे सिर्फ एक बार मिला हूं, लेकिन ये मुझे अपना दोस्त बता रही है और जिसका नाम ये लेती है कि वो मेरे पति हैं, ये दोनों कभी साथ नहीं रहे हैं, 2 साल से मिले भी नहीं हैं। यहाँ तक कि राहुल ने दावा किया कि राखी सावंत और उसके पति एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं हैं। बिग बॉस में चल रही ये सारी बातें नए चैलेंजर्स लेकर आए हैं। बिग बॉस ने बीच में ही बंद होने की कयास लगाई जा रही थी, लेकिन शो की लोकप्रियता देखते हुए इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। सलमान खान, जो बिग बॉस को फिनाले की तरफ ले जा रहे थे, अब वहीं इसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शो की टीआरपी भी बढ़ चुकी है और इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट जो पुराने हैं, जो पुराने बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे हैं, उन लोगों ने अपने दम पे बिग बॉस की टीआरपी बढ़ा दी है। अगर आप देखें तो चाहे वो राहुल महाजन हो या राखी सावंत या फिर विकास या अरसी हो, विकास और अरसी के झगड़े ने इस शो को न सिर्फ लोगों का समर्थन मिला है बल्कि विकास को भी सिंपैथी मिली है। अरसी ने जहां एक तरफ अपने आप को खलनायिका साबित किया, लेकिन आगे चलकर अरसी विकास को कप्तान बनाकर अपनी भूमिका को बदलते हुई भी देखी जा रही है। सब कुछ शानदार चल रहा है और सूत्रों की माने तो बिग बॉस की टीआरपी बढ़ रही है। सलमान खान का डिसीजन पुराने लोगों को बुलाने का सही साबित हो रहा है।